अच्छा ये ले लो, कुछ और चाहिए तो मुझे बताना। काला अब्बा क्यों बैठे हो, इधर आओ, आपका नंबर आ गया। काला आप अंदर आ जाओ, चलो तुम लोग देख लो, कुछ और चाहिए मुझे बताना, ठीक है। ये लो पकड़ो, देख लेना मैं आ गई। सुनो अंदर जाओ, जाके मैंने जो मेडिसिन्स मंगवाई हैं वो देखो आई हैं कि नहीं। उबैद इनको छोड़ो, तुम यहाँ पर आओ, अपनी एंट्री करवाओ, जल्दी आओ। पेशेंट है, अभी मैं इनको देख लूंगी, आप यहाँ पे बैठे रहो, मैं डॉक्टर को भिजवा रही हूँ। तुम इधर बैठो, अपनी एंट्री करो। माहम इधर आओ, इनकी हेल्प करो, मैं डॉक्टर को भेज रही हूँ, हेल्प करो, देखो सही कर रहा है कि नहीं। इरम आप भी जाओ, शाबाश, अंदर जाओ, जाके देखो मेडिसिन आई है कि नहीं। दिल में दर्द है, पेट में दर्द है, सब जगह दर्द है, तो फोन है। फजिस्ता इधर आइएगा। जी डॉक्टर आए। आपने चाय का कह दिया? हाँ वो मैंने घर पे खाया, अभी कोई लेकर ही आता होगा। ठीक है, उस टेबल पर आपकी बहुत जरूरत है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और पेशेंट्स का बहुत रश लगा हुआ है, जल्दी से वहाँ चली जाए। वो तो मर्दाना टेबल है। तो क्या हुआ मर्दाना है तो? आप डॉक्टर हैं खजिस्ता, और मेडिकल में आप जानती हैं कोई मर्द और औरत नहीं होती, सब पेशेंट्स हैं। ठीक है जल्दी से जाएं और वहाँ पे कवर करें सबको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर हादी भी वहीं पर आ रहे हैं, बस वो कुछ पेशेंट्स को देखने पे। ठीक है जल्दी से जाओ, सबको कवर करो, आज सारा काम ख़त्म करना है हम लोगों। वेरी गुड, जाओ। मुझे कह रही थी जाते हुए मुझे भी डिस्पेंसरी छोड़ जाना। क्यों, अब तुम्हें क्या मसला? इसीलिए तो भिजवा रही है कि शायद डॉक्टर नहीं कोई मसला बता दे। कान कान बताओ ना, मुझे भी लेकर जा रहे हो कि नहीं? एक मिनट, तुम तो चुप करो। ओ दरगज़ई, आज टिम्बर पर बैठक है, माल का काफी झगड़ा, तुम भी चलो हमारे साथ। लाला वो खजिस्ता ने बोला है कि डिस्पेंसरी में किसी डॉक्टर ने को चाय माय पिलानी है, आप चलो मैं वहीं आता हूँ। कान एक बात कहूँ, बुरा ना मनाना, बहुत जल्द खजिस्ता डॉक्टर नहीं बनकर आ जाएगी और ये दीवाना दिन रात चाय पहुंचाता रहेगा। सैफ खान का बेटा और काम चाय वाला, ऐसे घूर कर मत देखो कान, मामले को समझो। अब इसका अस्पताल चलेगा कि सैफ खान का इलाके में डाक, अब वाकई इन दोनों का जोड़ नहीं बनता है, बेहतर है तुम इसको शहर भेज दो और अपना भाई और इज्जत दोनों बचाओ। ये तुम कह रही हो जो खजस्ता के शहर जाने की सबसे बड़ी मुखालिफ थी? तब थी जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो डॉक्टर बन जाएगी, और जो कुछ कल देखा मैंने, मशवरा दे रही हूँ इन दोनों को इनके मकाम पर रखो और अपनी खानदानी इज्जत की नाक की फिक्र करो।